हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं लक्ष्मी पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने पांडे सिस्टर ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज बना रही हूँ मैं आंवले का अचार। तो कैसे बनाती हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे वीडियो में हमेशा बनता है, आगे भी बनेगा, यही उम्मीद करती हूँ। तो करते हैं ब्लॉगिंग की शुरुआत। अपने किचन में वहाँ रखे हुए मैंने आंवले, तो देखते हैं आंवले पके कि नहीं। बॉयल करने के लिए रखा हुआ था। और देखिए जी, आज बनाएंगे हम आंवले का अचार। तो मैंने इसे बॉयल करने के लिए रख दिया है और धीरे धीरे देखिए इसका कलर ग्रीन से इस तरह से हो गया, हल्का येलो येलो, यानी ये पक गया है। इसे ज़्यादा नहीं गलाऊंगी क्योंकि टूट जाते हैं फिर, तो अचार बिल्कुल खराब सा बन जाता है, यानी बिल्कुल पिचपिचा सा हो जाता है। तो आंवला अगर हमको टाइट टाइट सा रखना है तो इसको हल्का बॉयल ही करेंगे और फिर इसको धूप में सुखाऊंगी मैं, इसका पानी सूख जाए फिर जाके इसका अचार डालेंगे। तो आपको पता ही होगा कि आंवला बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए, हमारी बॉडी के लिए। इससे काफ़ी ज़्यादा आयरन मिलता है और बालों के लिए, स्किन के लिए तो फायदेमंद है ही, और आयुर्वेद में ये दवा का काम भी करता है जो कि ब्लड को बढ़ाने में टॉनिक का काम करता है। आपने देखा आंवले का जूस फायदेमंद होता है, इसका चूर्ण शुगर वाले लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये रक्त विकार होने से रोकता है और जो हमारे शरीर में खून की कमी होती है उसको जल्दी से पूर्ति भी कर लेता है, विटामिन सी की कमी को भी पूरा करता है। और आंवले से जूस बनता है, आंवले का मुरब्बा बनता है, अचार बनता है, आंवले का पाउडर बनता है, आंवले से टॉफ़ी बनती है। तो आंवले से कई चीज़ें तैयार की जाती है। देखिए जी, आंवले भी एकदम सूख गए हैं लेकिन इनका पानी बिल्कुल साफ हो गया है। अब बनाएंगे इससे अचार। और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन पे तेल भी अच्छे से बॉयल करके अब ठंडा करने के लिए रख दिया है। और ये है मसाला, अचार मसाला है, इसमें सभी चीज़ मिक्सअप है। और ये है सेंधा नमक, यानी काला नमक है, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब हम बनाएंगे अचार, तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा। तो देखिए जी, अब बनना स्टार्ट हो गया है अचार। तो इसमें डाल देंगे हम मसाला, बस बेटा कम कम डालना ना, ज़्यादा मसाले वाला अच्छा नहीं होता। बस हो गया। और जो तेल है वो भी डाल देंगे। अब डाल देंगे हम गरम तेल जो कि हमने गरम किया था, बॉयल करके ठंडा हो गया ये, इसे भी डाल देंगे। और इसमें अब नमक भी डाल दो आप काला। और नमक आप हल्का ये ज़्यादा जैसा भी खाते हैं आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसमें सादा नमक भी डाल देना बेटा, थोड़ा इसमें डाल देंगे सादा नमक भी। और इसे अब चम्मच से हिला लें और देखिए चम्मच से अब मिला देंगे इसे। और देखिए जी, अब इसमें हमने मसाला तेल सभी डाल दिया है, नमक, सादा नमक और काला नमक। अब इसे मिक्स कर लेंगे और आप इसमें विनेगर भी डाल सकते हो जब आप बनाओगे। तो मैं बाद में डालूंगी विनेगर क्योंकि अभी पानी छोड़ेगा ये, तो इससे क्या होता है नमक की मात्रा थोड़ा तेज़ रखनी पड़ती है इसमें, तभी जाके लॉन्ग टाइम तक चलता है अचार में। थोड़ा नमक की मात्रा तेज़ रखनी चाहिए।
और अगर तीखा खाते हो आप तो एक्स्ट्रा मिर्च भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें सौंफ वगैरह सभी है, और सौंफ अगर डालते हो तो हमेशा भून के डालनी चाहिए सौंफ, यानी फ्राई करके तेल में पका के, नहीं तो सौंफ क्या होती है सड़ा देती है अचार को अगर कच्ची सौंफ डालेंगे। और देखिए बनकर रेडी हो गया है, अब इसे धूप दिखाएंगे हल्की। ऑलरेडी ये तो पका हुआ है, तेल भी पका हुआ है तो खा भी सकते हैं, लेकिन एक दो दिन में ही स्टार्ट करेंगे, इसमें थोड़ा सा वो डालेंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ इसका, इसे भर देते हैं हम कांच के बोया में। मुंह में तो पानी आ रहा सिया, क्या बात, पलक के मुंह में पानी आ गया, पायल के मुंह में तो पानी नहीं आ रहा भाई, पायल तो लगी है अपने काम धंधे में, उसका होमवर्क छुटा हुआ है ना बहुत ज़्यादा, तो कंप्लीट कर रही क्योंकि स्कूल नहीं गई थी बहुत दिनों से। तो हमारी कैमरामैन बनी है पलक पांडे, डांसर भी है भाई बहुत तगड़ी वाली। और इसे कल धूप दिखा देंगे, बनकर रेडी हो गया भाई अचार, वाओ टेस्टी टेस्टी और तीखा तीखा, क्योंकि टेस्ट तो हमने किया नहीं अनुमान लगा दिया हमने ना, चटपटा बना है। तो ये देखिए ये बनके रेडी हो गया, कैसा लग रहा कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग भी बनाइए, सीजनल है ये फल, फल है ये आंवला। और देखिए जी अचार बनकर रेडी हो गया, कैसा लग रहा है आप कमेंट जरूर कीजिएगा हम लोगों को। और यही था हमारा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हम मिलेंगे आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।